प्राप्ति से जुड़े हैं। आओ आज के जो खास खबरों पे विस्तार से चर्चा करें। पन्ना टाइगर रिजर्व से बढ़ती तकदीर, जिन बीड़न में डकैतन को आतंक खतो, अब बेखौफ होम स्टे और नाइट सफारी कर रहे हैं पर्यटक। 14 साल पहले भौतो बाघन को शिकार डकैतन के एनकाउंटर के बाद अब 60 बार पहले जिन लोगों के डकैतन से तार जुड़े थे, अब उनकी मेहमान नवाजी के कायल हो रहे हैं पर्यटक। पन्ना टाइगर रिजर्व और केन नदी के जिन पीड़न में 14 साल पहले तक डकैतन को आतंक हतो, उतने अब पर्यटक बगैर कोनो डर के नाइट सफारी कर रहे हैं। जिन गांव और जंगलन में डकैत ठोक या मोहन बलखड़ या कुंवर को खौफ हतो, अब उतने पे होम स्टे होटल रिजॉर्ट बन गए हैं। जिन लोगों पे डकैतन की तार जुड़वे के आरोप हते, अब पर्यटक उनकी मेहमान नवाजी पसंद कर रहे और डकैतन के एनकाउंटर के इच्छेद की तकदीर बदल के रख गई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में चटम गांव के पास की घटना, खड़े ट्रक में लगी आग, टायर और सीमेंट खाक हो गया। नौगांव रोड के NH 39 फोर लेन ओवर ब्रिज के पास खड़े ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। ट्रक में लगी आग का देख के ट्रक चालक ने तुरंत फायर ब्रिगेड और सूचना दी और देखते ही देखा आग ने भीषण रूप ले लो। सूचना मिलते हुए मौका पे पहुंची दमकल के आग पे काबू पाओ, पर तब तक ट्रक के टायर जल के खाक हो चुके थे। नौगांव में गोलीबारी, पुरानी रंजिश के चलत आरोपियों ने बड़े के स्थान पे छोटे भाई के सीना में गोली मारी, घायलों को रेफर करो। पुलिस ने बयान के आधार पे आरोपियों पे मामला दर्ज करो। नौगांव थाना क्षेत्र के जीतन गांव में रविवार की सवेरे गांव के तीन आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलत पे बड़े भाई पे गोली चलाई, लेकिन बीच में छोटो भाई आ जाने से वह गोली उखल लग गई, गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। बयान के आधार पर आरोपियों पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गांव-गांव में बेसहारा लोगों का भेजा थे रोज भोजन। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित कुर्रा गांव में एक वकील 11 गांव में 36 लोगों का पहुंचा था भोजन। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित कुर्रा गांव में एक वकील बेसहारन को सहारा बन के सामने आए। क्षेत्र के 11 गांवों में बुजुर्ग, विकलांग और बेसहारा लोगों के भोजन को इंतजाम वकील ने अपने घर से कर रहे हैं और वे अपने घर पे ही सवेरे शाम भोजन तैयार कराते, इसके बाद भोजन का टिफिन में पैक करके गाँव गाँव में जरूरतमंदन का उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। पेशे से वकील जगमाल सिंह यादव कुर्रा गांव में नेशनल हाईवे पर स्थित अपने घर में रहते हैं। 65 वर्षीय जगमाल सिंह अब अदालत में नियमित वकालत बंद करके अपनी करीब 15 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। उनके घर के पास की सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और अस्पताल में उन्हें कई बार बेसहारा लोगों का देखो, जिनके सामने प्रतिदिन भोजन के भी साधन नहीं होते। गरीबन का देख के उन्हें प्रेरणा मिली और इसके बाद उन्हें आसपास के गांवों में जरूरतमंदन का चिन्हित करके नियमित भोजन उपलब्ध करावे की व्यवस्था बनाई। जब व्यवस्था एक साल जनवरी महीना से लगातार जारी है। अस्पताल में लापरवाही, मरीज पानी का मोहताज, प्रबंधन नहीं दे रहे हैं कोनो प्रकार को ध्यान। छतरपुर के जिला अस्पताल प्रबंधन और निर्माण विभाग PIU एक दूसरे पर डाल रहे पानी प्रबंधन को दोष। जिला अस्पताल में शहर और ग्रामीण सहित आसपास के जिला के मरीज अपनो इलाज करावे आते हैं। यही सहित भर्ती मरीजन के संगे उनके परिजनन का पेयजल की जरूरत पड़त है, लेकिन जिला अस्पताल जब से नव अस्पताल भवन शुरू हो है तब से अब तक परिसर में पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाओ है। अब अस्पताल प्रबंधन और निर्माण विभाग PIU एक दूसरे पे पानी की व्यवस्था करवे की बात करते हैं, बचवे को प्रयास कर रहे हैं। अपने परिजनन को इलाज करा भी जिला अस्पताल आए जुगल आदिवासी ने बताओ कि वे 4-5 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे, जौन दिन से वे जिला अस्पताल आए हैं वही दिन से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। मनु चौरसिया ने बताओ कि जिला अस्पताल में पानी की समस्या नए भवन बनने के बाद से है। दिन के समय तो बाहर से खरीद के लोग पी लेते हैं, लेकिन रात में समस्या और अधिक हो जाती। सबसे अधिक समस्या गरीबन को भुगतने पड़ रही है। कार्यकारिणी चुनाव, मानिक चंद चौरसिया फिर बने जिला चौरसिया समाज के जिला अध्यक्ष। शहर में गायत्री मंदिर के पास स्थित चौरसिया सत्संग भवन में रविवार का पूरे दिन जिला चौरसिया समाज अध्यक्ष पे को निर्वाचन करोगे, जिसमें समाज के वर्तमान जिला अध्यक्ष का मतदान के माध्यम से फिर से चुन लोगो है। जिला चौरसिया समाज में पहली बार मतदान के माध्यम से अध्यक्ष पद को निर्वाचन रविवार को कराओ, जिसमें समाज के भरत चौरसिया उर्फ संतु और मानिक चंद चौरसिया ने अपनी दावेदारी पेश करी थी। रविवार की शाम मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटन की गिनती करी गई, जिसमें मानिक चंद चौरसिया ने अपने प्रतिद्वंदी का 15 मतन से पराजित करके समाज के जिलाध्यक्ष बन गए। जो निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन समिति अध्यक्ष डॉक्टर JP चौरसिया, पूर्व प्राचार्य रमेश चौरसिया, लल्ला जगत सिंह, अशोक चौरसिया, आजाद चौरसिया सहित निर्वाचन समिति द्वारा पूरी कराई गई है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, सातपुरा और मड़ियादो ने जीतो पहलो मैच। विजेता टीम का 15,000 और उपविजेता टीम का 6,000 की राशि प्रदान करी जाए।
बक्सर से बड़ी खबर है, नगर में आयोजित टेनिस बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को शनिवार का शुभारंभ करोगा। उद्घाटन मैच सातपुरा और केरवारा के बीच खेलोगा। इसमें सातपुरा की टीम ने अपना मुकाबला जीत लो। दूसरा मैच मड़ियादो और जैतपुर सुनवानी टीवन के बीच खेलोगा। इसमें मड़ियादो विजयी रही है। बक्सवा से एक और बड़ी खबर है, बक्सवा में छात्रन का आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। कराटे प्रशिक्षण में धैर्य और एकाग्रता पे दबो है जो। कराटे प्रशिक्षण के छठवें दिवस कराटे के प्राथमिक अभ्यास करें, जिनमें कराटे कोच गया सिंह ठाकुर ने हमला के समय बचाव के तरीके का सिखाओ है। आत्मरक्षा के लाने हमेशा सजग रह बे और अपना संतुलन बनावे पर जोर दो है। उन्हें कही है कि धैर्य और एकाग्रता बनाए रखते भय हमला करो जा सकत है। शासकीय जमीन पे कब्जा, पंचायत सचिव ने नाले पे तो कोलोनाइजर ने आम रास्ता पे कब्जा करके बना लो है घर। शहर के अंदर मौजूद शासकीय जमीन पे तो प्रभावशाली लोग अतिक्रमण कर ही रहे हैं। अब तो लोग आम रास्तन पे और शासकीय नालन पे अतिक्रमण करके अपने मकानों को निर्माण शुरू कर दो है। यही बात की जानकारी जिला प्रशासन के अधिकारियों का होबे के बाद भी वे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। छतरपुर शहर के पन्ना रोड स्थित सिंचाई कॉलोनी के पीछे स्थित नाले पे राजनगर जनपद पंचायत में पदस्थ सचिव ने कब्जा करत भय अपनो आलीशान मकान को निर्माण कर लो है। ई पंचायत सचिव ने ई प्रकार से मकान को निर्माण करो है कि शासकीय नाला बीच में है और घर को एक दरवाजा आम रास्ता में, दूसरा रास्ता सिंचाई कॉलोनी के गोदाम परिसर में खुलत है। धर्म समाज जिला में सुख शांति के लाने करो गौ गायत्री मंदिर में सुंदरकांड को पाठ। छतरपुर जिला में सुख शांति और कल्याण की भावना का लेके भाजपा की प्रदेश मंत्री ललिता यादव द्वारा प्रति शनिवार का आयोजित होबे वाले संगीत में सुंदरकांड पाठ को आयोजन इस बार गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में करोगे। इस संगीत में सुंदरकांड में बार बाजन के संगे पार्टी कार्यकर्ता व श्रद्धालुओं ने भाग लो। इस अवसर पे मौजूद महिलाएं और पुरुष ने पूरी तन्मयता के संगे भक्ति में लीन होकर जिला के लोगों के स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करत भय पाठ करोगे। इस अवसर पे मुख्य रूप से ममता सिंह, द्रौपदी चौरसिया, मनीषा यादव, क्षमा गुप्ता, सुनीता चौरसिया, रेखा दुबे, राजन सिंह यादव, पंचम सिंह, रेखा यादव, कृष्णा यादव, संपत नावदेव, शिवजी परमार, गणेशी प्रजापति, नरेंद्र चौरसिया, गुल्ले सरदार, संजू चंदेल, दिनेश दीपक, विजय राजा, विवेक तिवारी, अरुण विजय नामदेव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पाठ के अंत में भाजपा प्रदेश मंत्री ललिता यादव ने सभी को आभार व्यक्त कर। कृषि क्षेत्र में उन्नति, टीकमगढ़ जिला अदरक की खेती में बना है पहचान, कुशवाहा कह रहे। प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत टीकमगढ़ को चयन अदरक के लाने करो है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अदरक की खेती में टीकमगढ़ जिला राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित कर है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत टीकमगढ़ को चयन अदरक के लाने करो है। इको विस्तृत रूप देवे के लाने भंडारण सुविधाएं बढ़ावे को काम करो जा रहा है। जबाद मध्य प्रदेश शासन के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कही है और वे रविवार को जिला के प्रवास के दौरान सर्किट हाउस टीकमगढ़ पहुंचे थे। गायन की दुर्दशा देखो, गौशालाएं खोल रहे मवेशी भी पहुंच गए लेकिन इलाज नहीं आया। 6 महीना में 137 गायन की मौत हो गई। दमोह जिला से बड़ी खबर है, दमोह जिला में 21 गौशालाएं बन चुकी, इनमें से 17 को संचालन भी शुरू हो गए। 12 गौशालाएं पूर्व से संचालित है, 33 गौशालाएं और स्वीकृत हो गई। जिला में बनी प्रत्येक गौशाला पे 27 लाख रुपया से ज्यादा खर्च हो गए। नई गौशालाएं जो स्वीकृत बनी उनकी प्रत्येक की लागत 37 लाख से ज्यादा है। सरकारी आंकड़न में गाय को संरक्षण हो रहा, हकीकत में गौशालाएं दुर्दशा को शिकार है। ऐसे कुछ खास और फटाफट खबरें के लाने बुंदेलखंड चैनल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार जुड़े रहे। जयराम चिकी।